हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन बैंक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को चमन प्राश के बॉटल का यूज़ करके लड्डू गोपाल जी के लिए होली स्पेशल टब बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके टॉप का जो स्टिकर है वो रिमूव कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे पेंसिल से मैंने इस तरीके का पिकॉक फेदर का डिज़ाइन ड्रॉ किया है, जिसे हम सीजर से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये बहुत ही अच्छे से कट हो गया है। अब यहाँ पे इसको पेंट करने के लिए मैं एक्रेलिक कलर्स का यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम एक्रेलिक येलो पेंट लेंगे और उसके थ्रू कुछ इस तरीके से हम इसको पेंट करना शुरू करेंगे। गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक आइडिया है जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। पीकॉक स्टाइल में अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये टब कौन नहीं बनाना चाहेगा, सभी बनाना चाहेंगे और बनाने में ईजी भी बहुत है। अब यहाँ पर हम ब्लू पेंट ले रहे हैं और इसके थ्रू हम येलो वाले के आउटर पोर्शन पे पेंट करेंगे। पीकॉक स्टाइल का इसलिए इसमें हम सिर्फ तीन ही कलर्स यूज करने वाले हैं, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। देखिए कुछ इस तरीके से हमें पेंट करना है। मैं यहाँ पे वीडियो में आपको काफी अच्छे से शो कर रही हूँ किस तरीके से आपको जो है पेंट करना है, किस तरीके से डिटेलिंग करनी है। गाइज, इससे पहले भी मैंने दो ट्यूटोरियल होली के लिए शेयर किए हैं लड्डू गोपाल के रिलेटेड। एक में हमने डिटर्जेंट के बॉटल का यूज़ करके टब बनाना देखा था और एक वीडियो में हमने लड्डू गोपाल जी का होली स्पेशल पॉट बनाना देखा था। उनके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अब यहाँ पे ग्रीन कलर के पेंट के थ्रू हम इस तरीके से नीचे की तरफ ब्रश को घुमाते हुए पेंट करना है। इसी तरीके से पूरे में हमें करते जाना है। गाइस, कमेंट्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। और मेरे पहले के दो वीडियोस अगर आपने चेक नहीं किए हैं तो इसके लिए अगेन मैं बता रही हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, सो डू चेक दैट। इस तरीके से अच्छे से हमें यहाँ पे पेंट करना है। और अब जो इसका बेस है वो भी हम कंप्लीटली ब्लू कलर के पेंट से पेंट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। इसको हम डेकोरेट भी काफी अच्छे तरीके से करने वाले हैं, हाफ कट पर्ल, स्टोन लेस, इन सब के थ्रू। तो देखिए ये हमारा पेंट होके तैयार हो गया है। अब येलो एक्रेलिक पेंट से मैं इसके नीचे एक बॉर्डर भी तैयार कर दूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से हमने येलो कलर का बॉर्डर दिया है। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इन पोर्शन से डेकोरेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हमने स्टोन लेस को एक स्टोन की लेयर के हिसाब से कट किया है। और अब जो हमारे टब का ये वाला एरिया है, यहाँ पर हम अच्छे से ग्लू गन लगाते जाएंगे और उसके बाद जो हमारी स्टोन लेस है इसको हम इस तरीके से पेस्ट करते जाएंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे स्टोन लेस हमने इस पोर्शन पे लगाई है। आप चाहें तो इस जगह पर भी लगा सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर ज्यादा अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने यहाँ लगाई है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे इस तरीके से नीचे के हिस्से भी अब हमने स्टोन लेस लगा ली है। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पे मेरे पास एक इस तरीके का गोल्डन में फ्लावर है, आर्टिफिशियल फ्लावर। इसके सेंटर पे मैं एक व्हाइट कलर का बीड अटैच कर रही हूँ, इसे हम डेकोरेशन के लिए यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस फ्लावर को मैंने इस टब के इस पोर्शन पे पेस्ट कर दिया है। अब इसकी डेकोरेशन के लिए हम यूज करेंगे हाफ कट पर्ल्स। तो देखिए गाइस, इस तरीके से यहाँ पर हमने अपने हाफ कट पर्ल्स भी लगा लिए हैं। अब जो ये वाले हिस्से हैं हमारे, इन पर हम अच्छे से ग्लू गन लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर भी हम हाफ कट पर्ल्स को पेस्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से हाफ कट पर्ल्स के थ्रू हमारी डेकोरेशन हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लड्डू गोपाल जी का होली स्पेशल पिकॉक स्टाइल टब बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद। गाइज, आप भी अपने घर पे इसको जरूर ट्राई करें, बनाने में बहुत इजी। एक चमन प्राश के डब्बे से हमने इसको बनाया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। एंड गाइज, इस वीडियो के लिए आप अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।